ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਪਰਚੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 200 ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਪੈਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਪੈਲਸ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ 200 ਉਸਤੇ ਕੀਤਾ ਅਬ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਕਬੱਤਰ ਨੀਚੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ ਫੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈਸਮੀਨ ਫੋਰ ਸਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜੈਸਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲਿਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪੂਰਾ ये देखो पूरा अंदर बहुत सुंदर है मैं हिंदी बोलने लग पे पंजाबी तो इतने रह के हेलो हेलो पूरा सोना है हाँ मैं कोई थे रूम राम सारे कुछ आ फिर तो संगल वाले गेट हाँ वेखो पूरी पूरी मीना कर रही थी जाले जुड़िया सारा कुछ किता आई थे एक है पर इधर अंदर जाना मना है इधर बेचारे पता नहीं क्यों की कर दे उन्हें वो पानी भी गंदा इधर था नौ दे होंगे फिर सुरमंदर पूरा वेखो सारा बहुत सुंदर मैंने करी वेखो इतने आ वेखो कर्ण महल वेखो पूरा आ इधर बेच दी नहीं जानते आ जा इधर बेच दी जाने कर्ण महल ये कर्ण महल है राजमहल लगता सी राजे इथे अगे प्रजा बहिंदी सी इथे राजा बैठ के आपदे फैसले सुनांदा सीगा चल चल आ टू चल तू आ जा पहला वन देख लिया था फाइव आइडर ही गाइड कैसे सुनाया करते थे नहीं सब काम कर कैमरे लिए देखिए ये इन्होंने ऐसे चैन लगा रखी है ताकि महल के अंदर कबूतरों का आना कम हो और यहाँ पर लगा हुआ था चांदी का दरवाजा वो भी 65 किलोग्राम का बाद में सुरक्षा कारणों की वजह से चांदी के दरवाजे को इन्होंने दीवार में सेट करवाया है और फिर ये नीचे टाइल्स आप देख रहे हैं 100 साल पुराने टाइल आप देख रहे हैं इटालियन टाइल्स से इटली में एक शहर है ये चांदी का दरवाजा है सर वीडियो की अलग से टिकट है नहीं दे दिया दे दिया
ये बीकानेर के राजाओं का जो वंश है वो सूर्य वंश है, इसलिए सूर्य भगवान की ये पूजा करते हैं। सूर्य भगवान सात घोड़ों की सवारी करते हैं, तो इस सूर्य भगवान के सात घोड़े आप देख सकते हैं। रेनबो के आपने सात कलर देखे हैं, वो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से सूर्य भगवान के सात घोड़ों को सिग्निफाई करता है। इसके अलावा ये छत का काम आप देखिए, मजबूत छत होने के बाद में अलग से लकड़ी की छत बना रखी है ताकि रूम गर्मियों में हल्का सा ठंडा रहेगा और सर्दियों में रूम हल्का सा गर्म भी रहेगा। फूल महल चित्रकारी है, पुस्ता कला बोलते हैं बीकानेर की। इसमें ये ऊपर की जो चित्रकारी है ना, ये तो ओरिजिनल है, 400 साल पुरानी है। ये वाली ये ओरिजिनल है हाँ, और ये रिनोवेटेड है, ये वाला रिनोवेटेड है। ये दरवाजा ओरिजिनल है कि रेनोवेटेड? नहीं नहीं, ये सर रिनोवेटेड है, रेनोवेटेड है, ये ओरिजिनल है सर, सीलिंग सिर्फ यही ओरिजिनल है, ये वाले ये पिलर्स वगैरह ओरिजिनल है। ये बैंकर, ये कुछ पुराने बर्तन आप देख रहे हैं जिनमें पीने का पानी भरकर रखा करते थे, मैट होता कॉपर पीतल के बने हुए, ये गर्म है, स्पेशली वॉर के टाइम बजाया जाता था गर्म। वॉर के टाइम क्या जाता था, जब वॉर होंगी ये राजा की तलवार है। देखिए बीकानेर के एक राजकुमार थे जिनका नाम था पद्म सिंह जी, तो ये उनकी बड़ी वाली तलवार आप देख सकते हैं। इस तलवार का वेट है 27 किलोग्राम, 27 किलो की है, 27 किलो। हाँ, ये दो तलवारें आप देख रहे हैं, दीज आर द सेरेमोनियल सोर्स हैं। बाकी ये जो ढाल आप जो देख रहे हैं वो अपना बचाव करने के लिए रखी है, यूज फॉर द प्रोटेक्शन के लिए। वो जंकित हर टाइम पे जाए जाते थे, पूजा पाठ, पूजा पाठ। और वो क्या है, ये शाप, ये वाला क्या है, ऊपर सर पे पगड़ी जो होती है ना, ये राजा महाराजाओं के राज्य नाम मछली का मुंह है, समुद्र में कई मछलियां होती है ना, एक मछली का मुंह है। ये सभी ओल्ड है कि रेनोवेट है? फिर ऐसा फिर सवाल पूछोगे तो ये लोग कहेंगे कि इन्होंने हायर कर लिया क्या हमको अलग से? नहीं नहीं, हायर नहीं किया है, तो बात होती है ना, फिर इनमें से कोई कहेगा इन्होंने हायर कर रखा है क्या हमको अलग से, ये दिक्कत और होती है। नहीं, इन्हें भी नॉलेज मिलेगी ना, हम तो पूछ रहे हैं ना, ये रेनोवेट है कि? वो तो बता ही रहा हूँ सर अपनी तरफ से। तो ये जो महल आप देख रहे हैं, इस महल की दीवारें और जो पिलर्स आप देख रहे हैं, इनको सजाने में 80 किलो गोल्ड का काम महाराजा अनूप सिंह जी ने करवाया था 1669 में। तो इसमें अभी तक कुछ भी रिनोवेशन का काम नहीं हो रखा। और यहाँ हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है, छतरीय लीला मजनू नायक द्रोणा, एंड दिस पैलेस यूज फॉर द कॉन्फ्रेंस हॉल। ये महल के दरवाजे आप देख रहे हैं, अखरोट का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी के बने हुए दरवाजे हैं, वॉलनट वुड के। इफ यू वांट टू टेक सम पिक्चर्स, आप ये फोटो ले लीजिए, मैं बाहर खड़ा इंतजार करता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे सभी ऊपर जाली लगी है ताकि कबूतर वगैरह अंदर ना आ सके।
बादल महल। ये पत्थर की निकासी है। कोई नहीं, लखराज ही चलाऊगा गड्डी, सौ जाएंगे राज। बादल महल में चलिए, चलो देखिए। इन्होंने महल में पूरा बरसात का सीन बना रखा है, बादल, बिजली, पानी, बच्चों को मानसून समझाने के लिए। यह राजा जी के संगीत के इंस्ट्रूमेंट है वीणा सितार। ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता जी की मूर्ति हैदराबाद से लाई हुई है, द बेड ऑफ द ब्लैक मार्बल की बनी हुई है। तो पीछे आप देखिए देसी कूलर है, इसमें पानी ऊपर से डालते हैं, बीच में ये ब्लेड आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी की बूंदें बाहर निकलती थी। फिर ऊपर इन रिंग्स के अंदर एक कपड़े का पंखा होता था जो कि नौकर डोरी की सहायता से चलाता था। तो कपड़े का पंखा जो ऊपर से हवा फेंक देता था और ब्लेड में से यहाँ से निकलता था पानी, तो यहाँ का ये पानी और ये कपड़े के पंखे से हवा मिलकर बन जाता था नेचुरल एयर कंडीशनर। अब आगे ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੀ ਜਾਲੀ ਕੱਲੀ, ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਹੈ ਨੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਜਾਲੀਆਂ ਇਹਦੀ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। आए अगर इस किले में अटैक करने के लिए तो छोटे रास्तों का बेनिफिट है, दुश्मन की सेना इस किले में एक साथ अटैक नहीं कर पाएगी, इसके लिए छोटे रास्ते बना रखे हैं सुरक्षा कारणों की वजह से। आइए चढ़ते हैं छोटे रास्ते। ये छोटे रास्ते यहाँ पे डाक भैया, आपका ग्रुप तो वो पीछे वाला है ना, बड़े बाकी है आपका ग्रुप, आप पुराने ग्रुप में हो गए, दो गाइड छोड़ दिया पीछे वाला ग्रुप में, बाकी आया ना वो हम आपके लिए लाते हैं जब आप बोले नीचे से आप क्या आपको दिखाते हैं बाद में आए थे आपने बाहर से मैं लड़ बोला है वहाँ बताया था। चलिए हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, 207 पुराना मंदिर है हनुमान जी का, राजा बताया हुई है। ये 200 साल पुराना, देखिए इसके ऊपर कुछ कलाकार डांस करते थे बकायदा तस्वीरें आप दे सकते हैं, ये कलाकार है डांस करते थे।
पासा खेड जाता सी यहाँ ये आप लोग ये गार्डन आप देख रहे हैं। इस गार्डन का नाम रखा गया है शिव गार्डन, क्योंकि आप लोगों के राइट साइड में भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, इसलिए इस गार्डन का नाम शिव गार्डन है। इस यहाँ एक बड़ा दरवाजा है राइट साइड में, उस बड़े दरवाजे के पीछे राजा जी के घोड़े बांधते थे और बड़े दरवाजे के आगे चार दीवारी है, वहां राजा जी का हाथी बांधते थे। अगर राजा जी का मंत्री उनका सेनापति उनसे गद्दारी करते हुए पकड़े गए हैं, उनके लिए वीआईपी जेल बना रखी है। नीचे तो बड़ी सीढ़ियां हैं, ऊपर आप देख रहे हैं छोटी सीढ़ियां हैं, तो वो जेल है, वीआईपी जेल। रॉयल फैमिली का पूरा प्राइवेट एरिया है, इसलिए इसके अंदर जाना मना है। और ये रॉयल फैमिली का चैरिटेबल ट्रस्ट का एरिया है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट वाले पोर्शन में पब्लिक विजिट कर सकती है, प्राइवेट पोर्शन में पब्लिक विजिट नहीं कर सकती। आइए आगे चलते हैं भैया, उनके पास तो टिकट है इसलिए बना रहे हैं, 200 रुपए की अलग से है। आपके पास है तो आप भी बना लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। रविंदर तीन देती थी है ना, जग ये झूला है भगवान श्री कृष्ण जी का, इस झूले को झुलाते थे तो ये कठपुतलियां आपस में जुड़ी हुई है, तो ये सारी क्या मूव कर दी थी, डांस कर दी थी, उसके ना वायर में मिस्टेक आ गई, इसलिए जो पॉकेट्स का मूवमेंट है वो नहीं हो सकता, ये पॉकेट्स मतलब डांस नहीं कर सकते। पहले मूवमेंट कर दी थी सर, राइट एंड लेफ्ट सर। सीलिंग आप देखो मजबूत छत के बाद अलग से लकड़ी की छत, ताकि रूम गर्मियों में ठंडा रहेगा, सर्दियों में रूम गर्म रहेगा। दीवार के कलर्स आप देखिए, नेचुरल कलर्स है, फलों से जड़ी बूटी से बताया जाता है। अभी आपको वापस नहीं लेकर आएंगे, एक छोटे शिकर ही बताया। देखिए थोड़ा सरप्राइज होने वाले हैं भाई, राजा जी का बेड थोड़ा नॉट ए किंग साइज बता देते हैं सर, बेड की हाइट को इसलिए कम रखा है ताकि कोई नीचे छुपकर अटैक ना कर सके, सुरक्षा कारणों की वजह से। सोते समय इनके द्वारा 2 फीट टांगे पलंग के बाहर रखकर सोया जाता था, कि कल को कोई राजा जी को सोते समय बांध दे तो अंधेरे होने के बावजूद वो पूरे पलंग सहित खड़े हो सकते हैं, एंड ही कैन फाइट। इसलिए राजा जी का बेड छोटा और हल्का रखा गया। अगर आप महारानी जी का बेड आप देखेंगे, इस बेड के मुकाबले थोड़ा बड़ा और थोड़ा कंफर्टेबल होगा। अंदर जाइए देखिए आराम से। अचारी वहां राजा लक्ष्मण इतने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, रानी अलग पी राजा तक ये रानी का कंफर्टेबल है ना, ये रानी का है ना जी हाँ सर, आपको बताया गया था थोड़ा सा बड़ा होगा और थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। थोड़ी सी फोटो आप जल्दी से ले लीजिए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ले लीजिए। ये झूला पहले वर्क करता था, अभी नहीं कर रहा है। अच्छा नहीं लगता जो टिकट देखा है उसको क्या भैया।
ये तुलसी कबूतर पहले का ही है, 6 महीने पुरानी है, 6 महीने पुरानी है सर, मात्र 6 मंथ ओल्ड है, ये तो अभी अभी लगाई है, ओनली 6 मंथ ओल्ड, ये सिर्फ 6 मंथ हो गया। ओके सर, फोटोग्राफ आपके मारवाड़ी हो, आप मारवाड़ी हो ना, मारवाड़ी लोग तुलसी लगा देते हैं, ठीक है, बहुत छेड़ते नहीं है, बहुत हालात अगर ज्यादा हो तो बात अलग, ऊपर बरगद का काम चल रहा है, इसलिए ऊपर वाला पोर्शन इन्होंने बंद कर रखा है, इसलिए आपको आगे लेके चलेंगे सर, आइए चलिए। अगर दुश्मन यहाँ अटैक करने के लिए आ जाते हैं तो सैनिक हाथ में तलवार लेकर खड़े रहेंगे अटैक रोकने के लिए, मैं तो आप लोगों का स्वागत करने के लिए स्वागत इतने सारे शीशे देखकर सवाल ये जरूर होगा, क्यों लगा रखे इतने सारे शीशे, बस एक शीशे के आगे एक दीपक जलाते थे, कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया, पुराने टाइम में क्रॉस लाइटिंग हुआ करती थी, ये सब पुराने टाइम में होती थी, अब अगर आप करना चाहेंगे तो अब नहीं होगी, कहते हैं कि शीशों का सेटअप खराब हो चुका है, तो आमने सामने शीशे यूज फॉर द क्रॉस लाइटिंग के लिए, जानकारी दी जाती है कि 1914 में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी तो काफी इलेक्ट्रिक चीजें आई थी, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक सैंडलियर्स और इलेक्ट्रिक लिफ्ट, सबसे पहले लिफ्ट दिखाएंगे 1914 की इलेक्ट्रिक लिफ्ट, लिफ्ट बहुत पुरानी आई है, कितने 1400 1914 नहीं यार, बात अगर 1914 की जाती है तो 1914 की, इस लिफ्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लिफ्ट बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, अब आप देखिए समय के साथ ही लिफ्ट खराब हो चुकी है, इसलिए समय के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले से बंद है, यहाँ आप लोग खड़े हैं तो यहाँ आपको मैं जानकारी देता हूँ किले के नाम के बारे में, कि टिकट पर लिखा हुआ है इस किले का नाम जूनागढ़, और जूनागढ़ इज द फेमस सिटी इन द गुजरात, तो इस किले का ओरिजिनल नाम है चिंतामणि किला, जो कि गणेश जी का एक दूसरा नाम है, क्योंकि गणेश जी सबकी चिंताओं को दूर करता है। 1902 में रॉयल फैमिली ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया था, लालगढ़ पैलेस में शिफ्ट हो गई थी, और ये किला सभी लोगों के लिए हो गया था पुराना किला, तो इसे पुराना किला ना बोलकर जूनागढ़ बोलते हैं, कि जूना का मीन्स होता है ओल्ड या पुराना, कहते हैं ना वो पुरानी हवेली जूना हवेली, वो पुराना आदमी जूना आदमी, वैसे पुराना किला जूनागढ़। दरवाजों के पीछे क्या आप थोड़े एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, इन दरवाजों के पीछे आपका पहला कोर्ट यार्ड है जहां आपने अपनी टिकट चेक करवाई, और इन दरवाजों के पीछे आपका कार पार्किंग वाला एरिया है जहां से आप लोग ने टिकट खरीदा था, यहाँ टिकट चेक करवाई थी और यहाँ से आप खरीदने के लिए आ रहे हैं। आइए इसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ही तो आप लोग आए थे, हाँ। वो पीला पत्थर याद कीजिए,
इसके नीचे से आप आए थे, द येलो स्टॉक, पीला पत्थर राइट साइड, तो आपको अपनी लोकेशन याद आ जाएगी। पीले पत्थर को आप क्रॉस करके आए थे वहाँ गणेश जी के माता जी के मंदिर। अब आप वापिस पीले पत्थर के पास जाओगे तो ऐसा सोचोगे ना कि यहाँ तो लेकर ही नहीं गए, अब मैं सोच रहा है कि यहाँ लेकर गए थे। नहीं, वहां जाते लोग कमेंट्स करते हैं कि वो जगह तो गए। नीचे राजा जी अपना दरबार लगाते थे, अपना पब्लिक मीटिंग हॉल लगाते थे। अरे रानियां यहाँ से देखा करती थी, पर आपको अंदर से दिखाने वाले। इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये पब्लिक मीटिंग हॉल है, तो यहाँ पब्लिक मीटिंग हॉल लगा तो जनता अपनी समस्याएं राजा जी को सुना रही है, तो कुछ समस्याएं राजा जी ऑन द स्पॉट हल कर देते थे, लेकिन कुछ समस्याओं के लिए राजा जी को दो या तीन का समय, तो यहाँ से रानियां की अच्छी तरीके से देख रही होती है, तो बाद में वो शाम को रानियों से सजेशन मांगते थे कि वो जो मामला आया था उसको किस प्रकार से हल किया जाए, तो रानियों की सजेशन काफी इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। राजाओं ने जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज बनाए थे, जनता ने अपना धन्यवाद दिया इन लेटर के माध्यम से। सर जानकारी दी जाती है कि आपने सक्सेसफुली इस किले का पुराना ऐसा विजिट कर चुके हैं, अब आप नए हिस्से में प्रवेश करेंगे जो कि 1902 से लेकर 1937 के बीच में बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा वहाँ आपको बड़े महल, बड़े दरवाजे और खूब सारे तलवारें बंदूकें देखने को मिलेंगे। उतरिए लेकिन रोटी आपके मम्मी पापा आपको अच्छी अच्छी चीज दिलाते तो आप धन्यवाद करते। इतना लोग जो होते थे ना पुराने वापस से बातचीत नहीं करते थे ना, तो मामला चल रहा है राजा बोल रहा है और जो कमीशन आने वाला है वो बोल रहा है, तो वॉइस भी होती है ना, तो आपने किलो इसका वजन है, तो इसको ऊंट के ऊपर सेट करके चलाते थे, इससे अगर भारी बंदूक देखनी है तो 50 किलो की, इसको हाथी के ऊपर सेट करके चलाते थे। बंदूकों के अंदर डाला जाता था बारूद, इसको आप देख रहे हैं बारूद के पाउच, स्मॉल स्मॉल गन पाउडर पाउच। किले के नए हिस्से में आपको महसूस हो रहा है लेकिन लिटिल बिट डिफरेंट है,
ये पुराने क्योंकि बाद में नए दौर में तो बुलेट आ रही है, उसको हटाए नहीं होगा, लेकिन इनको रखना एक रामायण हुआ करती थी, बुलेट रखना इसी बात। यहाँ पे राजा बैठता था, जो कि 1212 का है, चंदन की लकड़ी का बना हुआ राज सिंहासन आप देख रहे हैं, जो कि बहुत ही पुराना है, 1212 का। अब सर ये 1957 है, दरवाजे आप देख सकते हैं कितने बड़े हो गए। अब आप यहाँ नहीं कह सकते कि यहाँ के दरवाजे छोटे हैं, और हाइट आप देखिए 37.5 फीट है। दीवारों का काम आप देखिए पत्थर का है, सर बीकानेर का लोकल रेड सैंडस्टोन है। ऊपर आप देखिए एक मजबूत छत होने के बाद में अलग से लकड़ी की छत बनाई जाती है, ताकि रूम को गर्मियों में ठंडा भी रखा जा सके और सर्दियों में गर्म रखा जा सके। वो राजा जी का बोर्ड ड्रेस है, उसका वजन है 36 किलोग्राम, और वो उनका सेरेमोनियल ड्रेस है, उसका वजन है 10 किलोग्राम। राज्य के हथियार, राजे दियां सेनां दे हथियार सारे 1200 ईस्वी दे आ। ये राजे दी ड्रेस 37 kg। ये राजे दा कवच, अभी राजे की ड्रेस है ना, कितने के जी सी, 37 kg? वो 31 है, ये 10 है। ये 10 kg है, ये सेरेमनी होती थी तब पहले, ये 10 kg। ये पिला देख सभी उसी टाइम किया है, कोई रेनोवेट नहीं किया हुआ। ये सारी डेकोरेशन देखिए आप, छत के नीचे वुडन है ताकि ठंडा रह सके। ये तीर, छोटे तीर, बड़े तीर, लास्ट में बगल में राइट वो
वो है गधा, छोटी गधा, मिनी गधा। पर वो ऐसे शेप कर सकते होते हैं। वो क्या रॉयल हथियार हुआ करते थे राजा जी के पास में, अपने नहीं, अपने राजाओं के पास में, ये विदेशों में जो राजा होते थे उनके पास होते थे। ये वहाँ घूमने के लिए जाते थे तो इनको पसंद आ जाता था। आप यहाँ राजस्थान आए तो राजस्थान के आपको कपड़े पसंद आ गए, आजकल हथियार नहीं आते हैं, कपड़े ही आते हैं, कपड़े लेके जाओगे फिर ना, ये पहना हुआ था ना उसमें, वही दौर था हथियारों का। नहीं ये चेयर उसी टाइम की है, ये आदमी है, ये कहाँ से लाए हैं, बोलते नहीं, बोलते नहीं आप, कैमरे के सामने थोड़ी नहीं बोलते, कैमरा उधर करोगे तो बोल रहे मुखी हो तो ना। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। क्या नाम है इनका? नाम इनका दुर्ग सिंह, ठाकुर, ठाकुर दुर्ग सिंह। मुझे हो तो ठाकुर जैसे हो, ठाकुर दुर्ग सिंह, नहीं तो ना हो, सही बात है ना। अरे सारी ओड करा गई है, ये सारा तो कवर किया हुआ। सिंघासन, सिंघासन दी लाई हुई है बना के ना, चेयर दी है ना, ये सभी वुडन की है। I am so tired. I am so hungry. Very very hungry. ये तीनों चीजें आप देख रहे हैं कांच की बनी हुई है, जिन तीनों चीजों को बिजली छोड़ी जाती थी इनसे बाहर निकलती थी गजब की इलेक्ट्रिक लाइट। बीकानेर के कुछ यादगार फोटोग्राफ जिन्हें आप लोग बहुत ही पसंद करेंगे। 1937 एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था महाराजा गंगा सिंह जी का 50 साल कंप्लीट कर लिए थे। वो आप देखिए 1937 में आप देखिए सौंदर्य साहू लक्स का विज्ञापन आपके दिख रहा है, द सोप ऑफ सुपरस्टार इन 1937। आइए फोटो की नहीं खींची हुई महाराजा गंगा सिंह जी को, महान महाराजा जो कि ब्रिटिश आर्मी के पार्ट थे। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सर इनका बताते हैं 1880 में बॉर्न हुए था, 1880 में महाराजा गंगा सिंह जी का जन्म हुआ था। 7 साल की उम्र में ये महाराजा ऑफ द बीकानेर बन गए थे। इन्होंने 56 साल तक शासन किया है
जो भी बड़े बड़े विकास के कार्यों की बात की जाए, ट्रेन, नहर, बिजली, ये सारे काम राजा गंगा सिंह जी के द्वारा किया गया। इनका सरोगास हो गया था 1943 में। इनकी थोड़ी सी मूंछें बड़ी होती थी, इसलिए इनको सूप पीने में दिक्कत हुआ करती थी। स्पेशल चम्मच है, इसमें स्पेशल कवर लगा हुआ है, इसे सूप पीते टाइम राजा जी को बताया जाता है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कवर लगा। ये आप देख रहे हैं स्पेशल चम्मच, आप देख रहे हैं इसमें स्पेशल कवर्ड लगा हुआ है, इससे सूप पीते टाइम राजा जी के मूंछों को काफी हद तक बचाया जाता है। क्या आप देख पा रहे हैं स्पेशल कवर्ड लगा हुआ चम्मच, दिख रहा है चम्मच? हाँ, चम्मच में कवर्ड दिख रहा है। हाँ, बाकी सूप नहीं दिखेगा। ये डाइनिंग हॉल आप देखिए, इसका इन्होंने कवर वगैरह चेंज करवाया ना, इसका लुक चेंज हो गया है, वेरी ओल्ड लुक लाइक इट यू, क्योंकि कवर चेंज है, लकड़ी को पॉलिश किया है। तो डेजर्ट में उस समय एशिया की सबसे बड़ी वाटर कैनाल गंग कैनाल 120 किलोमीटर लंबी कैनाल, इसी वजह से महाराजा गंगा सिंह जी है ना, लोगों के दिलों में राज करते हैं, क्योंकि वो 1927 में 120 किलोमीटर लंबी कैनाल लेकर आए थे, गंग कैनाल। अब ये कहाँ है? अब तो वही है, फिरोजपुर से लेकर आपने गंग कैनाल। 7 साल के छोटे से बच्चे थे और महाराजा की गद्दी पर बैठ गए थे गंगा सिंह जी। आइए, अब आपको उनका एरोप्लेन हमारे यहाँ से निकल दिया है। ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे थे, कलरफुल कैमरे नहीं थे। कलरफुल तो बहुत होने ही आया। हाँ, नहीं 80 का है, 80-85। बना हो तो हम गाइड जाऊंगा, पता हो दसूगा, बनाऊंगा। ये राजे का एरोप्लेन है ना, ये राजे का रियल प्लेन है। आ बग्गियां उन्हां दियां पता वर्ल्ड वार में यही प्लेन यूज हुआ करता था। ये प्लेन यूज भी होता था ना, वर्ल्ड वॉर वन में ये यूज हुआ था ये एरोप्लेन। आ तेंदुए असली खल दे बने हुए है, ये रियल है, असली खाल लगी है, रियल है ना, रियल है, दवाइयां पाके इनू
ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਨ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਉੱਡਦਾ ਸੀ दो शेर ताकत का प्रतीक तीन चील एक खिचड़ी का पेड़ दो शेर बीकानेर का मोनोग्राम है बीका जी है सर करणी माता जी के आशीर्वाद से बीका जी ने बीकानेर नगर बसाया था कोटी में की है ये पालकी है हाँ ये पालकी है इसमें राजा के महारानी जाती थी खुली में राजा जी बंद में रानी ठीक ये यूज हुआ था वर्ल्ड वार वन में अफसर अपने टूर खत्म हो गया नहीं ये वन में हुआ था यूज हाँ, ये वन वर्ल्ड वार वन में यूज हुआ था ये यहाँ पे होता है टूर खत्म अंग्रेजा ने गिफ्ट दिता सी राजे नू राजे गंगा गंगा यूज नहीं हुंदा सी चलता भी सी है ना चलता सी राजे की पालकी जी ओपन सी नहीं ए राजा बहंदा सी ऊट ते बैठते थी आ राजे की राणी की हैगी बग्गी राणे दिया नहीं राणी ने आ बग्गी वेखा बग्गी चलो चलो इधर ही एग्जिट होना चलो आज वो बस अपना गाइड गया वो तुम गया बस बस गया चलो इतो गया सारा विजिट हूं करिए एग्जिट एग्जिट कितने आ रहा एग्जिट चलो एग्जिट नहीं होना एग्जिट इधर Thank you.